अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेरी पहचान पाकिस्तान। इस वक्त आपको जी बरतानिया में खुश आमदीद कहते हैं, मेरे साथ कहते हैं बूटा गाला कटदा। बाकी बूटा गाला कटदा है? अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्तों नु गाला गुला नहीं कटदा जी, सुधर गया हूं नहीं गाला कटदा। बिल्कुल जी, प्रोग्राम मेरी पहचान पाकिस्तान में पाकिस्तान के फनकार इस वक्त यहाँ पे बरतानिया के अंदर परफॉर्म करने के लिए आए हुए। आप बरतानिया में अक्सर आते जाते रहते, कैसा लगता है आपको? जी अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा लगता है जी, बरतानिया किसको अच्छा नहीं लगता। आप स्टेज फनकार होने के साथ साथ अभी तो फिल्म एक्टर भी हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है चाल मेरा पोत। जी खैर मुबारक। उसमें आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे बरतानिया में आके, जब शूटिंग की आपने? तो शूट जब की थी बहुत ज्यादा सर्दी थी उस वक्त, तो बहुत ज्यादा सर्दी थी, लेकिन उसके बाद जब फिल्म लगी है उसमें सर्दी गर्मी सब कुछ दूर हो गया। वो जो वैन के अंदर आप बैठे हुए हैं पांच छह जवान जो हैं, हाँ जी, और पैसे नहीं है जेब के अंदर, और आप जो है वो मालिक मकान का किराया भी नहीं दे पाए? नहीं, वो तो फिल्म के बीच से पैसे तो सारी जेब चाहिए। अच्छा, ये आप पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुए हैं कि कहते हैं बूटा गाला कटदा, तो ये आपको अच्छा लगता है जब लोग आपको? सारी बात है, कोई भी बात आपने की है तो वो कुछ कोई बंदा आपको कहता है तो वो कंटिन्यूटी थी एक, वो बहुत अच्छा। आज इफ्तिहार ठाकुर साहब के साथ काम करना आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छे फनकार हैं वो, बहुत लेजेंड हैं वो, इतने अच्छे फनकार हैं कि आपको मजा आ जाएगा। जब कितने साल हो गए आपको स्टेज की दुनिया में? 25 साल हो गए। और अभी आपने एक मुआहदा किया है पाकिस्तान पंजाब और इंडिया पंजाब के साथ मिल के, वो जो चल मेरा पुत की सीरीज बन रही है, और उसके आगे भी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। जी जी इंशाल्लाह। और ये जो आजा मेक्सिको चली है, इसमें नहीं आपने काम किया? नहीं, वो मैं, मेरा वीजा नहीं उस वक्त आया था, मैं पाकिस्तान में था, तो उसके बाद उन्होंने वो फिल्म कर ली इधर। तो अभी उसका भी पार्ट टू क्या बनने वाला है, आपको आइडिया? नहीं, उसका नहीं मुझे पता, वो इनकी नहीं थी, वो रिदम बॉय की नहीं थी, वो और तारा था, उनका नहीं मुझे पता। अच्छा, यहाँ पे आप बरतानिया में आते हैं, इसके अलावा कौन कौन से ममालिक में स्टेज जो है उसको लेके जाते हैं? स्टेज कनाडा वगैरह, अमेरिका वगैरह होते हैं सभी जगह, लेकिन बरतानिया में ज्यादा मजा आते हैं, यहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं ऐसा नहीं लगता जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, पंजाब कोई भी हो, पंजाबी ज्यादा इधर देखते हैं पाकिस्तान में। आप अब इस वक्त जो स्टेज जो है वो कैसा चल रहा है? लाइट भी सुना है कि नहीं है वहाँ पे, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, डीजल भी महंगा हो गया, तो क्या वहाँ पे इधर कितने का ले रहे हैं आप? यहाँ पे तो बहुत महंगा है, यहाँ तो 1 पाउंड और 82 पैनियों का जो है, उधर कितने का बनता है? वहाँ तो 500-600 का वो तो बन जाता है आपका, तो फिर अभी तो 150 रुपए है, वो ज्यादा 150 रुपए महंगाई नहीं है। अच्छा, अगर स्टेज एक्टर्स या स्टेज ड्रामा जो है पेट्रोल और डीजल पे चलता होता तो क्या मुमकिन था पाकिस्तान में? हाँ, फिर भी होना ही था भाई यार, ऐसा समझे कि इस वक्त आपका ये जो गैस पे करा के कर लेते हैं, इस वक्त ऐसा समझे कि आपका ये जो वीडियो मैसेज है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो नए आए हैं शहबाज शरीफ साहब इस वक्त देख रहे हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान के लिए और स्पेशली स्टेज के लिए? पाकिस्तान के लिए जो भी आए वो पाकिस्तान का अच्छा सोचेगा, तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान एक हमारा घर है, घर के लिए अच्छा जो सोचता है वो अच्छा ही होता है, कोई भी सोचेगा घर के लिए तो वो अच्छा ही होगा। स्टेज की दुनिया के लिए क्या मांगना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब से? कुछ भी नहीं, बस मैं ये कहूँगा कि मुल्क के लिए सोचें, स्टेज खुद ही अच्छा हो जाएगा, जब मुल्क अच्छा होगा, हमारा कारोबार अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो इतने सालों से चलते चलते आ रही क्वेश्चन है आपसे, इतने सालों से आप स्टेज की इंडस्ट्री में, तो क्या आपने कोई एकेडमी, कोई यूज के लिए स्टेज का जो है फनकार बनना या उसके अंदर जो? हम तो भी खुद सीख रहे हैं, हमने एकेडमी क्या की? आपके कौन जो आपके आपके मेरे सेल साहब बहुत अच्छे, सेल साहब अच्छे लगते हैं, बहुत सेल अहमद खान जो है, जी जी सेल साहब, वो आपके पीरो मुर्शिद हैं इस दुनिया के? पीरो मुर्शिद तो जितने भी मेरे सीनियर मैं सबको समझता हूँ, लेकिन काम का मन का बहुत फैन हूँ। पाकिस्तान वालों को क्या मैसेज देंगे जो यहाँ आपको? मैं पाकिस्तान नहीं हूँ, पाकिस्तान से ही आया हूँ, नहीं जो आपको, क्या दूंगा, जो आपको यहाँ पे वापस भी जाना है, जो आपको यहाँ बरी में, हाँ यहाँ पे जो रहते हैं पाकिस्तानी, वो मैं उनको कहूँगा कि जितने भी उनके मोहल्लेदार हैं पीछे जहाँ पे वो स्कूल उन्होंने जहाँ पे वो पढ़े हैं, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके यूनिफॉर्म का, उनके खाने पीने का, कुछ बच्चे गरीब हैं माड़े वाले, उनका ख्याल जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया पापुटा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके।